Good morning, students. And finally, we have come to the last session of IT the topic which the unit which we are studying, that is employability skill. This is the last session of the employability skill, that is called Crane skill, and we are learning sustainable development. Under sustainable development, under the Crane skill, we will be learning now. Now, what is sustainable development? Before we proceed to the sustainable development, let's try to understand what is sustainable development. In a nutshell, we must know that we are leading life on the earth. Whatsoever life we are leading, either we are leading good life or we are leading bad life, we are leading a life. धरती पर जीवन है और हम इसे जी रहे हैं. तो धरती पर जीवन है, हम जी रहे हैं. तो हम धरती पर कुछ मूलभूत चीज, देयर आर द सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स, देयर आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स व्हिच वी आर गेटिंग फ्रॉम द नेचर. धरती पर जिंदगी जीने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हमें नेचर से मिल रहा है. सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए घर, दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स. दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स to live a life on the earth. धरती पर जिंदगी जीने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, और जो इस रिक्वायरमेंट को जहां से फुलफिल होता है, उसे जिस चीज से फुलफिल होता है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं. ठीक है, वी कॉल्ड इट रिसोर्स. ओके, इन ऑर्डर फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, देयर आर द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, देयर इज अ सर्टेन रिक्वायरमेंट, एंड दिस रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड बाय द रिसोर्सेज. दीज आर कॉल्ड रिसोर्सेज. ओके, रिसोर्स बहुत तरह के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, एंड वी हैव मैन मेड रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, एंड वी हैव अदर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्स, एक्चुअल रिसोर्स. बहुत तरह के रिसोर्स का कैटेगराइजेशन है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि रिसोर्स क्या है. धरती पर जिंदगी जीने के लिए जो भी मूलभूत चीज़ का जरूरी है, जो भी चीज़ का जरूरी है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं. ठीक है, अब हम धरती पर जीवन जी रहे हैं, वी आर लिविंग लाइफ ऑन अर्थ बाय द वर्च्यू ऑफ दिस रिसोर्स. ओके, आइदर मे बी एयर वाटर सनलाइट, और मे बी प्लांट एंड मे बी अदर कंपोनेंट. ओके, वी आर लिविंग लाइफ. मगर हम धरती पर जिंदगी जी रहे हैं, और धरती पर जी रहे हैं तो इन सभी रिसोर्स के हेल्प से जी रहे हैं. ठीक है, हमारी जिंदगी बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ ये रिसोर्स भी खत्म हो रहे हैं, या डिग्रेड हो रहे हैं, या नष्ट हो रहे हैं. ठीक है, अगर हम जिंदगी जी रहे हैं, इफ वी आर लिविंग आवर लाइफ डेफिनेटली बाय द वर्च्यू ऑफ दीज रिसोर्स. जितनी हमारी जिंदगी बढ़ रही है, उतनी ही इन रिसोर्स की जिंदगी कम रही है. रिसोर्स ये धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं. पानी है तो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है. ठीक है, धीरे धीरे ऑक्सीजन है तो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है. ठीक है, आज हमें हमारी जरूरत क्या है कि हम अगर अपनी जिंदगी जी रहे हैं, वी आर लिविंग आवर लाइफ ऑन द अर्थ, इन रिसोर्स जो खत्म हो रहा है, हमारी जिंदगी, हमारी जवाबदेही बनती है कि हम इन रिसोर्स को भी बढ़ाएं. ठीक है, हम इन रिसोर्स को भी बढ़ाएं, जिससे हमारी अगली आने वाली पीढ़ी भी धरती पर अपना जिंदगी को ढंग से जी सके. दे कुड लिव देयर लाइफ, their healthy life on this earth. ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी कहना था कि हमें धरती को अपने अगले आने वाले जनरेशन के लिए बढ़िया बनाना है. तो हमें अपने अपने अगले आने वाले जनरेशन के लिए हम बढ़िया कैसे बना सकते हैं? How can we make the life sustainable on the earth? Okay, तो हमें डेवलपमेंट करने का पूरा अधिकार है. वी हैव सोल राइट टू डेवलप आवर सेल्फ. हमें अपने आप में डेवलपमेंट लाने का पूरा अधिकार है. हमें अपने लाइफ स्टाइल में डेवलपमेंट लाने का पूरा अधिकार है. हमें अपने टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट लाने का पूरा अधिकार है. वी हैव सोल राइट टू ब्रिंग डेवलपमेंट इन आवर सेल्फ, आवर लाइफ स्टाइल, आवर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और एनी फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट. देयर शुड बी डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट होना चाहिए. हर जगह डेवलपमेंट होना चाहिए, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ natural degradation, environmental degradation in the ecosystem. इन सभी ये के degradation पर नहीं होना चाहिए, because इसके बिना धरती पर life possible नहीं है. ठीक है, अगर ये सारे चीज़ degrade कर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो
तो फिर हमारी अगली आने वाली पीढ़ी, देयर विल बी नो फर्दर लाइफ, हमारे लाइफ के बाद फिर कोई और लाइफ नहीं होगा। तो हमारा डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? इट शुड बी अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन विच इन वन लाइन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन दैट द डेवलपमेंट एनी फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट, आइदर डेवलपमेंट इन डेवलपमेंट इन लाइफ, any form of development in life, lifestyle or technological development, the development, whichsoever may be development, either development in our life, lifestyle or technological development or etc, any form of development, any development which should not be on the cost of natural degradation, environmental degradation or ecosystem degradation, right? It should not be on the cost of natural degradation, environmental degradation or ecosystem degradation. Means we should lead our life. We should lead our life, and we are leading our life with the help of these abiotic components like ecosystem, like environment, like ecosystem. Okay, so it is our, without this, without ecosystem, without environment, the life cannot, a life on the earth cannot be imagined. So it's our response. So we should lead our life, but at the same time, it is our responsibility to protect these things, protect this ecosystem, environment, for us, so that there could be life, or there could be further life on the earth. Okay. So we should lead life. Okay. We should lead life. Okay. And we are leading life. Okay, by the help of these abiotic component. I hope these abiotic component, you understand, environment, ecosystem, etc. Okay, this environment, ecosystem, etc. We should lead our life, and we are leading our life by the virtue of this component. So it is our moral responsibility. It is our moral responsibility to conserve these resources, ecosystem, and environment, so that there could be further life on earth after our life. Okay, this was the theme, or this was the saying of the our ex-Rashtrapati ji, Bharat Ratna APJ Abdul Kalam Sahab. Inka bhi kehna tha ki dharti ko hame apne agle aane wale peedhi ke liye acha banana hai aur bhi acha bana kar dena hai.
ठीक है, हमें अपना खुद डेवलपमेंट करना भी है, पर धरती को हमें अपने अगली आने वाली पीढ़ी के लिए और भी अच्छा बनाकर देना है, और हमें अपना भी डेवलपमेंट करना है। तो अपने इसी डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस डेवलपमेंट विल बी कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टर्म, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, the development which is not on the cost of, the development which is not on the cost of environmental degradation, okay, which is not on the cost of environmental degradation, ecosystem degradation, ecological degradation, this is called sustainable development. More about it we will learn in the coming slide. Okay, and this we will see. Okay, I hope it is clear to you, and let's move ahead. Sustainable development, this is something, it is development that satisfies. Sustainable development is the development that certify the need of present. ठीक है, sustainable development किसको कहते हैं, which certified our present need without compromising the capacity of future generation. हम अपनी जिंदगी जी ले रहे हैं, हम अभी वर्तमान at present, I am leading my life based upon the availability of the resources at present, but I am not worried about the resources, ability of resources for the future generation. Sustainable development says that we should certify our need, but without compromising the capacity of the future generation, without guaranteeing, without exploiting them for the future generation. We should reserve the resource, we should conserve the resource for the forthcoming generation, we should develop also the resource. हम रिसोर्स को कंज्यूम जरूर कर रहे हैं, मगर हम आगे वाले जनरेशन के लिए भी रिसोर्स को हम डेवलप करें, उसके आगे बाद आने वाले जनरेशन के लिए भी हम कुछ बना कर जाए. ठीक है, तो now come to the definition part. Okay, sustainable development, it is the development that certifies the need of the present without compromising the capacity of the future generation. Now, what it need? It guarantee the balance between the economic growth care for environment. Now, what it guarantee? What are the expectation? The expectation of the sustainable development. ठीक है, सबसे पहले हम बताएं कि हमें धरती पर जिंदगी जीने के लिए जो भी चीजों की जरूरत पड़ती है उसे हम रिसोर्स करते हैं, रिसोर्सेस को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, मगर रिसोर्सेस का डेवलपमेंट, रिसोर्सेस का रिजनरेशन, रिसोर्सेस का कंजर्वेशन ये हम नहीं कर रहे हैं. हमें अपनी जिंदगी जीना है, मगर आने वाले जनरेशन के लिए रिसोर्सेस का कंजर्वेशन, डेवलपमेंट, रिजनरेशन को ध्यान में रखकर. अब व्हाट डज इट फोकस, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस ऑन सम ऑफ द फैक्टर. It makes the balance between economic growth, care, environment, social well-being. Okay, economic growth होना चाहिए, technological advancement हमारे life में होना चाहिए, हमारे lifestyle develop होना चाहिए. ठीक है, हमारा lifestyle भी बढ़ना चाहिए, हमारा technological advancement भी होना चाहिए, हमारा progress होना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी भी जीना है और अच्छे ढंग से जीना है, मगर अपने environment we have not to compromise. We will lead our life. This is the goal of the sustainable development, that we will lead our life, but without compromising environment. Without compromising environmental factor, ecological,
ecological factors, okay, environmental factor, ecological factor, etc. Factor, etc. This is the theme of the sustainable development. ठीक है, this is the theme of the sustainable development. I hope the topic, the term which we are going to read, this is clear to you all. Okay, so let's now move ahead. Okay, now we can see our population is increasing. Our population is increasing, and thus consumption is also increasing. Okay, consumption is also increasing, and there is increasing production. And when there is increase in production, there is increase in the utilization of the natural resources. ठीक है, तो वहां पर नेचुरल रिसोर्स का यूटिलाइजेशन भी बढ़ रहा है. इतना यूटिलाइज हम कर रहे हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बच पाना संभव नहीं है. इस बात को अगर जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जस्ट ट्राई टू गो थ्रू इट. दिस शोज आवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, देयर इज इंक्रीज इन कंजम्पशन, देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन, देयर इज इंक्रीज इन यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स. ओके, सो व्हेन देयर इज इंक्रीज इन यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, now what are the basic resources that we need for the existence of life on this earth, that is roti, kapda aur makan. theek hai, roti, kapda aur makan, this is the basic requirement. apart from this, there are the all these things which we is all these thing roti, kapda aur makan we get from the environment. okay, we get from the environment. okay, we get from the natural resource. Since for the development of the roti, kapda and makan, we are totally dependent upon the natural resources. We are consuming natural resources with respect to the roti, kapda and makan, means food, water, food, food, cloth and shelter. Okay, so food, reducing land. Now how food is affecting, how food is responsible for the sustainable development. Now our population, रेड्यूसिंग लैंड, हमारा लैंड कम पड़ रहा है. ठीक है, द लैंड एग्रीकल्चर लैंड इज रेड्यूसिंग. ठीक है, देयर इज रिडक्शन इज रेड्यूसिंग इन द एग्रीकल्चर लैंड ड्यू टू नॉन जुडिशियस यूज ऑफ लैंड फॉर द अदर पर्पस. अभी खेती करने का जमीन कम पड़ रहा है. ठीक है, अभी खेती करने का जो जमीन है वो ज्यादा से ज्यादा अभी बिल्डिंग बनाने में यूज हो जा रहा है, कारखाना बनाने में, फैक्ट्री बनाने में, इंस्टीट्यूशन सेटअप करने में यूज होता जा रहा है. ठीक है, हमारे सॉइल का फर्टिलिटी, ये हमारे सॉइल का फर्टिलिटी डिक्रीज कर रहा है. जमीन लिमिटेड है, जमीन द लैंड इज लिमिटेड. पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. इन ऑर्डर टू फीड द ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, केमिकल्स, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा. नाउ सो द फूड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हाउ फूड इज रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज लैंड इज नॉट अवेलेबल. ठीक है, द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज डिक्रीजिंग. ओके, नाउ वाटर इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर. द वाटर बाय द डिस्पोजल ऑफ स्वेजेस एंड गार्बेजेस, इंडस्ट्रियल वेस्ट, देर इज अ स्कार्सिटी ऑफ द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. ओके, देर इज स्कार्सिटी ऑफ द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. पानी की कमी हो जा रही है. ठीक है, पानी की इतनी घोर कमी है कि अगर तुम आगरा में चले जाओ, ठीक है, आगरा और कानपुर अगर चले जाओगे, तो आगरा में जाने के बाद तुम वहां का अगर लोकल जो पानी है, जो हैंडपंप तो तुमको रोड पर मिलेगा, उसको तुम बिना प्रोसेस किए हुए पी नहीं सकते हो. ठीक है, आई वेंट टू आगरा इन द ईयर 2014 एंड आई हैव फेस्ड दिस प्रॉब्लम. यू विल हैव टू परचेज द मिनरल वाटर और यू विल हैव टू गो टू द होटल टू ड्रिंक द वाटर एंड देयर दे विल चार्ज फॉर इट. ठीक है, तो वहां पानी का प्रॉब्लम है. क्यों प्रॉब्लम है? बाय द डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, स्वेजेस एंड गार्बेजेस, द वाटर हैज बिकम पॉल्यूटेड. यू कैन नॉट ड्रिंक द वाटर डायरेक्टली विदाउट प्रोसेसिंग इट. ओके, दिस इज द प्रॉब्लम. ठीक है, नाउ फ्यूल, एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज, दिस इज द डिमांड ऑफ फ्यूल. इट हैज आल्सो लेड टू अ थ्रेट ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज फ्यूल. For the excessive now for the fuel, we are cutting the trees. Unjudicious cutting of trees, the growing demand of the these are the demands. Okay, then the growing demand of furnitures and the growing demand of the fuels. Okay, these are forcing us to cut the tree, and we are cutting the tree
unjudiciously we are cutting that tree. Okay, I hope this is also point clear to you. Since the fuel, water and food, we are consuming the natural resource by the process of food. Okay, we are consuming the land, we are making the land barren, we are disturbing the water, we are polluting the water. So how we will drink the water? And we are cutting the trees, we are for the furniture, for the fuel, means we are disturbing all these natural resources. In the one point, we will have to develop. Now what we will have to do? Hame kya karna hoga? Hame iska kuch alternative soch, alternative development, alternative soch हमको डेवलप करना होगा. ठीक है, खाना का अगर मान लो कि अगर जमीन जमीन बचाना है, जमीन को कैसे बचाएंगे? जमीन को बचाना होगा. ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जमीन को बैरन होने से बचाना पड़ेगा. हम लैंड की प्रोडक्टिविटी, हम एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, हम फूड ग्रेन की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं? दैट वी विल हैव टू थिंक some of the alternative methods. Okay, we will have to think some of the alternative methods. Okay, irrespective that we are adding the chemicals, we are adding the pesticides, we are using the land. Okay, so we will have to think the alternative source, alternative methods, alternative to develop the resources, food resources. We will have to think the alternative method for disposal of sewage and garbage, industrial waste. So we will have to think some of the methods to conserve the water. We will have to think some of the alternative method to generate the fuel. Our dependency fuel per ped per kam ho, fuel ke liye koile per kam ho. Okay, we should depend upon other sources, that we will come later. Okay, and environmental friendly way for the production of. अभी तुम जो लोग बाबा धाम जाते होंगे, ठीक है, देखो अल्टरनेटिव एक तरीका क्या है. यहाँ पर तो एक गुजरात का मॉडल के बारे में यहाँ पर देखो हम लिखे हैं. ठीक है, चरखा एक गुजरात में एक जगह है जहाँ पर सोलर पावर का जनरेशन किया जा रहा है. तो गुजरात को हम और तुम लोग नहीं गए होगे. ठीक है, एज सोलर पावर सेन इन द चरखा गुजरात सोलर प्लांट. ओके, तो यहाँ पर गुजरात में एक जगह है, देखो वो जगह जो है बैरन है, अनफर्टाइल है, वहां पर खेती नहीं हो सकता, वहां पर कुछ नहीं होता है. तो वहां पर क्या किया जा रहा है? वहां पर सोलर प्लांट लगा दिया जा रहा है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है और वो एनर्जी जो है 600 मेगावाट का सोलर प्लांट है. चलो गुजरात तो हम लोग तुम नहीं जा पाओगे, तो जब बाबा धाम, इसमें हम लोग और तुम में से बहुत कुछ लोग जाते होंगे. ठीक है, तो बाबा धाम से जब आप देवघर से जब आप जाते होंगे, देवघर से बासुकीनाथ धाम की ओर बस से अगर आप जाते होगे, तो बीच रास्ते में एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट है. ठीक है, बहुत बड़ा एक सोलर प्लांट है. हालांकि अभी वो सोलर लाइटिंग वो सारा डंप पड़ गया है, मगर एक या दो साल वो खूब बढ़िया चला था, मैंने भी उसको देखा है. ठीक है, now what it has been done, we are depending the government of the Jharkhand, it has created an alternative source of power. ठीक है, baba dham se leke baba basukinath mandir tak ke raste mein light jalane ke liye, theek hai, government ne ek alternative method dhunda light ke power ko generate karne ka, wo hai solar power ka. So we will have to think for the alternative method. Okay, we will have to develop alternative resources. Okay, I hope it is clear to you. So we will move to the next. Okay, now sustainable, what are the components that include the sustainable development? Now the component, so now sustainable development which includes, okay, that we will see here. Sustainable development reduce excessive use of resources. ठीक है, sustainable development में सबसे पहले हमें क्या फोकस करना है? वी हैव टू रिड्यूस द एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्स, अनजुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स. जरूरत से ज्यादा रिसोर्स का दोहन नहीं करना है, रिसोर्स को ज्यादा यूज बिना मतलब का यूज नहीं करना है. जितना यूज करने के लिए सोचना है, उससे ज्यादा हमको उसको इनहेंस और कंजर्व करने के लिए सोचना है. द फर्स्ट पॉइंट इज we have to reduce the excessive use of resource, and we have to think for the enhancing of the resource, and we have to think for the conservation of resource. We have to think for the recycling and reuse of the waste material. We have to think for the recycle and reuse for the waste material. Then we have to think for the scientific management of renewable resource. Okay, especially bio resource. We have to think for the
साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स. नाउ व्हाट आर द रिन्यूएबल रिसोर्स? आई होप यू आर वेल अवेयर विद द रिन्यूएबल व्हिच कैन बी रिन्यूड अगेन एंड अगेन. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर आल्सो कॉल्ड एज inexhaustible resource which cannot be exhausted. These resources are wind energy, solar energy, tidal energy. Okay, so we have to think some of the scientific method to develop these resources. We need to plant more and more trees. We need to plant more and more tree. We have to green grass. We have to develop the green grassy patch, trees to be interspersed between the connected building. बिल्डिंग के आसपास में हम अपना ग्रीन जोन को डेवलप करें. यूज मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स. वी नीड टू यूज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. नाउ व्हाट आर दिस बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स? मटेरियल्स व्हिच गेट डीकंपोज इन द सॉइल, दे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. प्लास्टिक इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, इट कैनॉट बी डीकंपोज इन द सॉइल. सो वी नीड टू यूज द मोर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी व्हिच आर एनवायरमेंट friendly, which are based on the efficient use of resources. I hope it is clear to you. So these are the sustainable development. These are the things which included in the sustainable development. I hope it is clear to you. Now let's come to the sustainable development goals. Okay, these are the sustainable development SDGs. It was launched at the United Nations Sustainable Development Summit in the New Year in September 2015. Forming the agenda that till 2020 sustainable development program के लिए 2020 तक के लिए sustainable development program बनाया गया था. ठीक है, agenda for sustainable development, the program aimed at universal call. पूरे दुनिया के सभी देशों से ऐसा उम्मीद किया गया था कि इस sustainable development goal को achieve किया जाए. Sustainable development goals क्या क्या है? No poverty, zero hunger. Okay, no poverty, zero hunger, good health, quality education. You can see here. Okay, you can see here. I hope it is visible to you. Okay, try to learn. It is the ये पूरे दुनिया के लिए ये बनाया गया है sustainable development goal. 70 goals to transform the our world. पूरे दुनिया के देशों के लिए ठीक है ये बनाया गया था. अब देखो यहाँ पर कौन-कौन सा चीज़ है. सबसे पहला हमारा हुआ no poverty. Then second is zero hunger, then good health and well-being, then quality education, then gender equality, then clean water and sanitization, then affordable and clean energy, then decent work and economic growth, okay, industry and industry innovation and infrastructure, okay, reduce inequality, infrastructure and commerce, okay. So देखो यहाँ पर इसके बाद फिर पानी क्लाइमेट के बारे में है. क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन द लैंड, ओके, पीस एंड जस्टिस, ओके, ये सारा चीज हमारा जो था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो पूरे दुनिया के लिए एप्लीकेबल है SDG, ठीक है, दैट वाज एप्लीकेबल फॉर द होल वर्ल्ड. ठीक है, इसमें आया और इस पर हम लोग को वर्क करना. नो प्रॉवर्टी मतलब प्रॉवर्टी नहीं रहे, जीरो हंगर, कोई गरीब भूखे नहीं मरे, थर्ड पॉइंट हमारा हर गरीब को, हर आदमी को, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबके लिए अच्छी हेल्थ सुविधा हो, सबके लिए अच्छा एजुकेशन हो, सबको जॉब मिले, सबको सारे जेंडर इक्वलिटी में रहें, सारे जेंडर इक्वलिटी मेल फीमेल एंड इनफैक्ट द एक और बीच वाले जो हैं, ठीक है, तो सारे लोग जेंडर इक्वलिटी में रहें, सबको क्लीन एंड क्लीन वाटर और सैनिटाइजेशन मिले, ये सारा चीज है. ओके, तो आफ्टर द SDG, ठीक है, लेट्स आफ्टर द SDG वी विल कम टू द नेक्स्ट. ओके, देन what are the sustainable development initiative through the now then the, we have the concept that is called green economy. theek hai, sustainable development ko meet karne ke liye sabse pehle jo bade bade deshon ne hai, jo united nation ke jo deshon ne hai, unhone samjha ki hum log green economy ko develop kare, green economy ko aur green school ko develop kare. to green economy ke mein kya kya cheez aa raha hai? to green economy mein hamara aa raha hai, what are the sector of the green economy and the green skill? That is e-waste management, that is
e-waste management, green transportation, okay, e-waste management, green transportation, and we have the renewable energy, green construction, and water management. Okay, these are the sector of the green skill. The main objective of green economy is to reduce the environmental risk and ecological threat that aim to the sustainable development. Sustainable development को अचीव करने के लिए हमारा जो इन्वायरमेंटल रिस्क है, जो हमारा इकोलॉजिकल रिस्क है, उसको हम कुछ तरीके से उसको रिड्यूस करें, उसको हम कम करें. ये हमारा ग्रीन इकोनॉमी का एजेंडा है, ग्रीन इकोनॉमी का पर्पस है, ग्रीन इकोनॉमी का गोल है. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए. यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट हमारा जो है यहाँ पर, ठीक है, लास्ट पॉइंट इज हियर दैट we should definitely move towards the technological development, but technological development plus environmental safety is equal to sustainable development. Okay, technological development plus environmental safety, this will lead to the green economy, or this will lead to the environment, this will lead to the sustainable development. Okay, next we have after this ग्रीन इकोनॉमी इज नॉट जस्ट अबाउट द, देखो ग्रीन इकोनॉमी का अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों, तो ग्रीन इकोनॉमी का सिर्फ मतलब ये जो है टर्बाइन और सोलर और ये सब का मतलब नहीं है. ग्रीन इकोनॉमी का मतलब सिर्फ टर्बाइन, विंड टर्बाइन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और ये सब, मतलब जो वो सबसे मतलब नहीं है, ठीक है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सोलर फार्म्स और द सोलर फार्म और द विंड एनर्जी और वी आर टॉकिंग अबाउट द सोलर एनर्जी. ओके, what we are talking, green economy provide opportunity for the environmental good. hame environmental ko kaise bachana hai, theek hai, hamare apne environment, hamare nature ko kaise bachana hai, wo hamara yahan par aata hai, theek hai, hame apne nature ko kaise bachana hai. green economy provide opportunity for the environmental goods and services, okay, and aim to achieve efficiency in resource. okay, the green homes will be powered. ठीक है, सारा चीज ग्रीन. ग्रीन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम जो है वो सोलर को यूज करें, सोलर लाइट को यूज करें, या वाटर हाइड्रो पावर स्टेशन को, या फिर विंड एनर्जी को यूज करें और टर्बाइन लगाएं, ये नहीं है. इसका मतलब है कि हमें जो है अपना सारा काम जो करना है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से करना है. वी हैव टू परफॉर्म आवर वर्क, ऑल द वर्क यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे. ओके, देन let's come to the next. okay, so first of all that we have discussed, that is the e-waste management. sabse pehla hamara kya aata hai, wo hai e-waste management. theek hai, to e-waste ka matlab aap dekh lo, is picture mein clear hoga. what are the e-waste? abhi hum phone liya, phone hamara kharab ho gaya, it has become the e-waste. laptop liya, kharab ho gaya, hamara e-waste ho gaya. monitor pada hua hai, theek hai, usko e-waste hai. so i hope you have understood the e-waste. next come to the next topic, e-waste are of different types. okay, e-waste are of three types, type 1, type 2 and type 3, that you can see here. okay, now what is the composition, how e-waste are creating problem for us. e-waste contain different types of alloys, compounds such as copper, aluminium, gold, silver, palladium, etc. ye sab contain karta hai, aur jo arsenic, फॉस्फोरस, जिससे हार्मफुल गैस निकलता है, जिससे इन्वायरमेंट भी पॉल्यूट होता है और हमारा लाइफ भी पॉल्यूट होता है, हमारा लाइफ भी थ्रेट करता है. व्हेन ई-वेस्ट आर वार्म्ड अप, द टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस, द टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस आर रिलीज्ड इनटू द एयर, डैमेजिंग द एटमॉस्फेयर, डैमेजिंग आवर हेल्थ. ओके, एंड दे हैव द इंपैक्ट ऑन आवर लाइफ. ओके, सो व्हेन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आर थ्रोन अवे, व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक waste are thrown away in the landfill, toxic material seep into the groundwater. ठीक है, toxic material, ठीक है, अगर हम मान लो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को अगर एक जगह पर जमा कर देते हैं, तो उसमें हार्मफुल केमिकल्स होता है, वो केमिकल है कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, आर्सेनिक, फास्फोरस, ये सब उसमें होता है. उससे जब वो गर्म होता है तो उससे हार्मफुल सब्सटेंस निकलता है, जो हमारे लाइफ के लिए और एनवायरमेंट के लिए दोनों के लिए खतरनाक है. अगर उसको हम पानी में डंप करते हैं, वो सॉल्युबल होकर उससे भी जो है वो खराब सब्सटेंस पानी में जाकर डिजॉल्व होता है, जो फिर हमारे बॉडी के अंदर में जाता है. ओनली 3 मिनट इज लेफ्ट, इफ यू हैव टाइम यू कैन ज्वाइन मी अगेन और आई विल टीच यू
next tomorrow. Okay. Next, it has also called e-waste has also created a electronic pollution. Okay. What is this electronic pollution? Okay. I hope it is clear to you. Moving to the next, e-waste management. Now, e-waste need to be managed. Okay. E-waste need to be managed. Okay. The e-waste management involved. E-waste management involve the disposal of material that recycle and that involve recycle and recovery using the following operation. Okay, so our e-waste management involve proper recycling and recovering of the disposed materials. Okay, proper recycling and recovery. Now, recycling or recovery हम कैसे कर सकते हैं? Dismantling करके कर सकते हैं. Dismantling का मतलब first हमारा सबसे पहले हमारा आता है dismantling. Dismantling का मतलब हो गया dismantling का मतलब हमारा हो गया कि जो उसमें से जो काम का चीज है उसको हम निकाल लिए. ठीक है, उसको हम तोड़कर उसमें से जो काम का चीज है उसको निकाल लिए. फिर तुम्हारा हमारा दूसरा क्या है, segregation of ferrous material, non ferrous material, plastic and other. ठीक है, उसमें से जो मेटालिक चीज है उसको हम उसमें से निकाल लिए. फिर उसके बाद है rubbish segregation of ferrous material and non ferrous material like plastic, rubbishment and reuse, rubbishment and reuse, recycling and recovery of valuable material. अगर उसमें कोई valuable material है तो उसको हम निकाल लिए. ठीक है, उसको हम निकाल लिए. फिर उसके बाद है treatment and disposal of dangerous material and waste. Okay, तो ये हमारा है कि उसको उसमें जो ट्रीटमेंट जो हमारा डेंजरस मटेरियल है उसको हम उसमें से हटा दे रहे हैं. ठीक है, ये हमारा ठीक है, वो वीडियो ऑन है, स्टार्ट हो गया क्लास. गुड मॉर्निंग सर. सर 5 वीक का बच्चा आ गया है. ठीक है, आई होप नेक्स्ट टू दिस बेनिफिट ऑफ ई वेस्ट एंड benefit of e-waste and recycling allow for recovery of variable parts hum usse nikal lete hain. public or environmental life dono safe rehta hai, job create karta hai, save landfill spaces. Okay, these are the benefits. And then come to the green transport. green transport ka matlab kuch samajh lo ki jo energy the consumption jo energy ka bhi jo requirement ho wo green energy ho. ठीक है, दैट वुड बी द ग्रीन एनर्जी, मतलब नॉन पॉल्यूटिंग हो और उसको हम रिजनरेट कर सकें. ठीक है, दीज आर कॉल्ड ग्रीन ट्रांसपोर्ट और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कंप्राइजेस ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट डू नॉट डिपेंड ऑन डिमिनिशिंग नेचुरल रिसोर्स लाइक फॉसिल फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन. ओके, तो अभी देखो साइकिल आ गया है, बैटरी कार आ गया है. ठीक है, जो कि बैटरी कार विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द fuel like petrol and diesel, it can run with the help of solar energy. Okay, इसको हम charge करके भी चला सकते हैं. ठीक है, तो green transport कहने का मतलब है कि जो fossil fuel है उस पर dependency को कम करे, जो harmful gas को भी नहीं liberate करे. ठीक है, तो this is called green transport. ठीक है, पहला तो fuel को भी conserve करना है, जो exhaustible fuel हमारा है जैसे कोल है पेट्रोलियम है उसको भी कंजर्व करना है. तो द ट्रांसपोर्ट विच हेल्प अस टू कंजर्व द फॉसिल फ्यूल लाइक पेट्रोल डीजल विच रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन पेट्रोल एंड डीजल विच हेल्प अस टू यूटिलाइज द सोलर एंड विंड एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ दिस विच डू नॉट गिव अ स्मोक विच डू नॉट डिस्टर्ब द एनवायरमेंट. दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट आर कॉल्ड ग्रीन ट्रांसपोर्ट. आई होप इट वुड बी you would be able to understood it. Next we have the use of renewable energy. Use of renewable energy समझ में आ रहा होगा कि renewable energy का मतलब क्या है. Renewable energy का मतलब है that we should depend upon the renewable energy like which cannot be renewed again and again, जो खत्म नहीं होता है उस पर हमारी dependency हमारी बढ़े, environment को जो pollute ना करे, जो आगे आने वाले समय में भी उसका growth हो, जिसका विकास हो. ठीक है, this is about the renewable energy. ठीक है, which do not create the pollution, जो
रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन ट्रांसपोर्ट दोनों का मतलब, दोनों का सेंस एक ही है कि विच रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन द फॉसिल फ्यूल्स, विच रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन एग्जिस्टेबल रिसोर्स, विच रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन द रिसोर्स विच आर गोइंग टू बी कंज्यूम्ड, और जो प्रमोट करता है विच प्रमोट द अल्टरनेटिव रिसोर्स, विच प्रमोट द रिन्यूएबल रिसोर्स विच इज हेल्पफुल विच इज फ्रेंडली टू द एनवायरमेंट, ओके उस तरह का रिन्यूएबल, उस तरह का एनर्जी को यूज करना है, उस तरह के ट्रांसपोर्ट को यूज करना है, और ठीक उसी प्रकार का एक अगला टर्म यहाँ पर हमारा आता है, दैट इज ग्रीन कंस्ट्रक्शन। ग्रीन कंस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं कि हम वहाँ पर सिर्फ ग्रीन कंस्ट्रक्शन क्या हो सकता है, यू थिंक ऑफ द ग्रीन कंस्ट्रक्शन, द कंस्ट्रक्शन विच कैन रिड्यूस द कटिंग डाउन, अनजुडिशियस कटिंग डाउन ऑफ द ट्री, द कंस्ट्रक्शन विच इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली, ओके जो कंस्ट्रक्शन एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, ठीक है, द रिसोर्स विच इज इफिशियंट इको फ्रेंडली, ठीक है, जो इको फ्रेंडली हो, जैसे जहां पर तुमको पेड़ का कटिंग नहीं हो, जहां पर एनर्जी, जहां पर वैसा हम घर का कंस्ट्रक्शन करें, वैसा बिल्डिंग बनाएं जहां पर लाइट का जरूरत कम हो, दिन में हमको लाइट का जरूरत ना पड़े, ठीक है, दिन में हमको बल्ब नहीं जलाना पड़े, ठीक है, दिन में हमको जो भी बल्ब अगर जलाना पड़ रहा है, रात में भी जलाना पड़ रहा है, तो सोलर एनर्जी से हो जाए, जहां पर हमको वाटर का कंजम्पशन कम हो, और जहां पर वाटर को हम, वाटर का नेचुरल रिसोर्स हम ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, मतलब रेन हार्वेस्टिंग हो, ठीक है, तो ये सारी चीजों को मिलाकर जो मतलब जो कंसेप्ट के थ्रू जो बिल्डिंग्स बनते हैं उसको हम लोग ग्रीन बिल्डिंग कहते हैं, वहां पर नेचुरल रिसोर्स, वहां पर थोड़ा ग्रीन एनवायरमेंट हो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्रीन कंस्ट्रक्शन, ओके। ग्रीन कंस्ट्रक्शन डू नॉट सिंपली से दैट देयर शुड बी ग्रीन, मींस हम एनवायरमेंट को डिग्रेड करके जो कंस्ट्रक्शन को नहीं कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, दैट इज एनवायरमेंट को बिना डिग्रेड किए जो बिल्डिंग बना रहे हैं, जो एनवायरमेंट को इनरिच करने के लिए बना रहे हैं, जैसे सपोज वी आर इंप्लीमेंटिंग द टेक्निक ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मींस वी आर एनरिचिंग द एनवायरमेंट, ओके। हम मान लो वहां पर जो है, जो हम वी आर यूजिंग द प्लास्टिक डोर्स, मींस वी आर नॉट कटिंग द ट्री, हम वहां पर ऊपर में रूफ के जगह पर हम जो है वहां पर रूफ के जगह पर कुछ सोलर प्लेट्स वगैरह लगा रहे हैं, मींस वी आर प्रमोटिंग द यूज ऑफ सोलर एनर्जी, हम वहां पर दिन में वहां पर ट्रांसपेरेंट सीट लगाए हुए हैं, मींस लाइट को हम आने दे रहे हैं, दिन में हमारा लाइट का कंजम्पशन कम रहा है, ठीक है, सो दिस टाइप्स ऑफ होम्स आर कॉल्ड ग्रीन होम्स और द ग्रीन कंस्ट्रक्शन, आई होप इट इज क्लियर टू यू। Next, we come to the water management. I hope you are well aware with the water management. Okay, provide water for the domestic need, support water for the food supply. Okay, conserving natural resources, conserving water resources, conserve the destruction of force of water, climate change. ये सारी चीज़ को sustainable development in water इसको कहते हैं. Now, what are the stakeholder of the green economy? ठीक है, स्टेक होल्डर क्या है ग्रीन इकोनॉमी का? गवर्नमेंट है, एक तो गवर्नमेंट अपना कोई काम इस पर कर सकता है, ठीक है, दूसरा हम एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं, हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, हम अपने इकोसिस्टम को बचा सकते हैं, हम अपने इकोलॉजी को बचा सकते हैं, हम अपने एनवायरमेंट को बचा सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट का इसमें कुछ काम हो सकता है, कुछ हमारा काम हो सकता है, हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाए, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन्वॉल्व हो सकते हैं, ओके, देन ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, सबसे बड़े स्टेक होल्डर हम और आप होते हैं, फिर उसके बाद हमारी गवर्नमेंट होती है, फिर उसके बाद और भी लोग इसमें जुड़ सकते हैं, जैसे प्राइवेट पब्लिक मॉडल पर एनजीओ आ सकते हैं, वॉलंटियर्स आ सकते हैं, वो सब यहाँ पर वो सामने मिल रहा होगा, ठीक है, देन अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रोसेस, एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड आई थिंक, रोल टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारा रोल क्या होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, दैट वी शुड प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, वी शुड प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन, हम क्वालिटी एजुकेशन सबके लिए दें, ठीक है, हम अपने अगल बगल के बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब स्कूल ही जाकर पढ़ें, हम और आप भी उनको पढ़ा सकते हैं, ठीक है, एज ए स्टूडेंट यू कैन ऑल्सो वॉलंटियर योर एक्टिविटी एंड यू कैन टीच देम वन और टू आवर, ओके, सो वी कैन प्रमोट द क्वालिटी एजुकेशन, वी कैन प्रमोट द क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, वी कैन अफोर्ड द क्लीन एनर्जी, ठीक है, हम क्लीन एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं, हम अपने घर के आसपास में या अपने स्तर से या गवर्नमेंट के सहयोग से ही हम जो है क्लीन वाटर को अवेलेबल कराएं,
सैनिटेशन को इंश्योर करें, एजुकेशन को इंश्योर करें, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी इंश्योर करें, फिर हम और कोशिश करें कि हमारे आसपास में इनइक्वलिटीज नहीं हो, ठीक है। नाउ वी शुड डेवलप द सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, हम इस तरह की कम्युनिटी बनाएं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करें, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिटीज बनाएं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिटीज कहने का मतलब है कि हर आदमी अपना अपना रिसोर्स का शेयरिंग जहां पर हो, ठीक है, उस सस्टेनेबल सिटीज में जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंसी कम हो, जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज को हम इंक्रीज कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, उसको इनरिच करें, ठीक है, डेवलप आवर सेल्फ इनटू अ रिस्पांसिबल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को रिस्पांसिबल कंज्यूमर बनाएं, ठीक है। रिस्पांसिबल कंज्यूमर मींस वी शुड नॉट कंज्यूम द रिसोर्स अनजुडिशियसली, अपने जरूरत के अनुसार हम उसको कंज्यूम करें, ठीक है। और कंज्यूमर से ज्यादा जरूरत, सबसे बड़ी जरूरत क्या है कि वी शुड आल्सो डेवलप आवर सेल्फ इनटू अ प्रोड्यूसर, ओके। हम एक अच्छे प्रोड्यूसर भी बने, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूमर ना बन के हम सोलर एनर्जी का अगर हम यूज करते हैं तो वी आर द प्रोड्यूसर, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का अनजुडिशियस यूज को रोकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करते हैं, बिना मतलब का पंखा और बल्ब नहीं जलाते हैं, ठीक है, तो वी आर अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर। और अगर हम सोलर प्लेट वगैरह को यूज करके अपनी जरूरत की एनर्जी को अगर हम बना लेते हैं तो वी आर अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर एज वेल एज वी आर द रिस्पॉन्सिबल प्रोड्यूसर ऑल्सो। And this was the last. I hope all of you have understood it and it would be clear to you. Okay. And I hope it is clear to you.